नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस ब्लॉग में। और आज हम इस अपने इस ब्लॉग में बहुत खास चीज दिखाने वाले हैं। जैसे कि आपने मेरे पिछले ब्लॉग में देखा था कि हम लोग राजघाट गए थे और वहां पर हल्की सी पार्टी की थी, जिसमें मैंने एक पोर्टेबल स्टोव और केन यूज करी थी। और मैंने आपको बताया था कि मैं अगले ब्लॉग में आपको पूरा इसका डिटेल बताऊंगा। तो लीजिए, इस ब्लॉग में मैं आपको पोर्टेबल स्टोव के बारे में पूरा डिटेल बताता हूं, हमारे साथ बने रहिए। हाँ, शुरू करने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे, अगर जो नए व्यूअर्स हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाल बटन नीचे है उसको दबा दीजिए, और अगर आप पुराने सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो मैंने ऑर्डर किया था ये पोर्टेबल स्टोव, इसमें हमें तीन ये कैंस मिली हैं, ब्यूटेन कैंस हैं तो बोलते हैं, और ये स्टोव मिला है, पोर्टेबल स्टोव है। इसको मैं डिब्बे से बाहर निकालता हूं तो देख सकते हैं कि आप इस टाइप में ये निकला है। और चलिए मैं अभी देखिए खोलते हैं ये बॉक्स, इसके अंदर ये बैग में रखा हुआ है और देखते हैं इसके अंदर क्या है। और एक छोटी सी बुकलेट टाइप में है, ये ब्राउज़र है, इस प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी आपको। चलिए तो मैं बताता हूँ, इसको पहले खोलते हैं हम। ये रहा हमारा स्टोव, पोर्टेबल स्टोव। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं ये पोर्टेबल स्टोव है, और आप देख सकते हैं इतना छोटा सा, आप कहीं भी इसको रख सकते हैं। और इसके एक एक पार्ट को मैं डिस्क्राइब करूंगा। देखिए, सबसे पहले ये बर्नर है और ये साइड के स्टैंड्स हैं, इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं इस टाइप में, और आपका जो भी बर्तन है उसको हम इसके ऊपर रख सकते हैं। और एक पास में आप देखेंगे, देखिए ये एक नॉब है, ये हमारा लाइटर है, और एक यहाँ पर एक नॉब है, ये हमारा ऑन ऑफ वाला नॉब है। और इसके साइड में आप देख सकते हैं ये हमारी कैन को इंसर्ट करने वाला एक आउटलेट है, इसी में हमें ब्यूटेन कैन लगानी है। और पीछे देखते हैं इसके नीचे, तो इस टाइप में है ये, इसके फोल्डेड स्टैंड है, इसको हम खोल देते हैं। चारों और इसके सीधा रख देते हैं, आप देख सकते हैं प्रॉपरली हमने रख दिया है। अब ये हमारा तैयार है, अब इस पे हम कितना भी वजन रख सकते हैं, लगभग लगभग एक दो तीन लोगों का खाना हम इसमें बना सकते हैं। और ये जैसे कि आपने देखा था ये कैन है, ब्यूटेन कैन है, इसके अंदर ब्यूटेन गैस भरी है और भी मिक्स गैसे हैं, लेकिन हम इसको कैसे लगाते हैं ये प्रोसेस बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको जानना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमें इसमें लगाते वक्त कुछ भी असावधानी बरती तो कुछ भी समस्या आ सकती है। इसलिए इसको लगाते वक्त हमें बहुत प्रिकॉशंस अपनानी होगी। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ हाउ टू इंसर्ट दिस ब्यूटेन कैन। तो हम सबसे पहले जो कैन है इसके एक रूप बना हुआ है, और यहाँ पर भी एक
निकला हुआ है इसका, इसमें इंसर्ट करेंगे प्रॉपरली। देखिए अब मैंने यहाँ पे किया और इसको टर्न कर दिया। अब ये लग, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा ये कैन इस पोर्टेबल स्टोव में लग चुकी है और हमने जांच लिया है कि प्रॉपरली बाहर ही जलाए, कभी भी गाड़ी के अंदर या कमरे के अंदर सावधानी पूर्वक ही जलाए, कोशिश करें। तो ये लाइटर है और लाइटर को ऑपरेट करने वाला ये है। अब हम इसको गैस को ऑन ऑफ वाले नॉब को प्रेस करेंगे और यहाँ पर खोलेंगे, लगा है। अब इसको कम ज्यादा कर सकते हैं, देख सकते हैं आप फ्लेम बहुत बिल्कुल नीली आ रही है फ्लेम, और इसको कम ज्यादा नहीं कर सकते हैं। कैसे स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम इस लाइटर का ये यहाँ पर एक बटन है, इसको नीचे प्रेस करेंगे। इसको प्रेस करने से पहले हमें ये ऑन ऑफ वाला ये जो केन और स्टोव के बीच का ये है, इसको हमें पहले ऑन करना पड़ेगा और ये हमने कर दिया। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारी गैस जलने लगी है और आप देख सकते हैं फ्लेम भी बहुत अच्छी आ रही है। अब हम इस पर अपना बर्तन रख देते हैं और अब ये बर्तन खाली तो रख नहीं सकते हैं, तो इसमें हम पानी को गर्म करते हैं। पूरा एक गिलास पानी मैंने रख दिया है गर्म होने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं, अब मुझे टाइम देखना होगा ये एक गिलास पानी कितनी देर में गर्म करता है। तो अभी हमारा टाइम शुरू हो चुका है पहले से, अब देखते हैं कब तक ये खोलता है। देखिए दोस्तों, पानी हमारा खोलने लगा है और मुश्किल से अभी एक मिनट हुआ है और आप देख सकते हैं कि हमारी जो नॉर्मल गैस घरेलू जो घर पर हम जितनी जलाते हैं जिस स्पीड से, उतने ही स्पीड से ये जल रहा है। और इस वक्त हमारा ये कैन जो है ये बिल्कुल ठंडी होती जा रही है और इसको हम ऐसा नहीं कह सकते ये गर्म होती है या कुछ वैसा हो रहा है, एकदम ठंडा है। और पानी देखिए खोलने लगा है, फिलहाल हमारा पानी गर्म हो चुका था जैसे कि आप देख सकते हैं। और अभी इस वक्त मैं ये टच करूं तो ये बहुत ठंडा है, लेकिन इसको आप कभी भी टच नहीं करें क्योंकि ये बहुत गर्म हो चुका है। इसको ठंडे होने तक स्टिल वेट करें। और आप देख सकते हैं ये हमारी केन, ये ब्यूटेन के नाम से है और मैं ये कोई कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, ये मैंने प्रोडक्ट ऑर्डर किया था फ्लिपकार्ट से। जब भी कभी बाहर जाऊंगा अच्छा लगा तो ये मेरी गाड़ी में हमेशा रहेगा और इससे मैं अपने लिए और एक दो साथ में जो भी मेरे साथ होंगे उनके लिए मैं आराम से खाना कुछ बना सकता हूँ हल्का फुल्का। और इस सिलेंडर की एक खास बात और है, ये एक कैन एक घंटे की चलती है, इस पे आप कुछ भी बना सकते हैं। और ऐसी कैनें मुझे तीन दी गई थीं